नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। खाने कलक दिखाने कलक। ये जो नज़ारा आप पीछे देख रहे हैं रायपुर के रविशंकर विश्वविद्यालय का है। जी हाँ, रविशंकर विश्वविद्यालय के आर्ट भवन में वाटर कूलर से लेकर छात्र छात्राओं के लिए कॉमन रूम की व्यवस्था चरमराई हुई स्थिति में है। अगर आप यहाँ एक चक्कर लगा ले तो बदबू से आप बेचैन हो जाएंगे। और इन्हीं समस्याओं के बीच इस भवन में समाज कार्य और समाज शास्त्र के छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि अपनी स्वयं की समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं। युवाओं का कहना है कि जितनी हमसे फीस ली जा रही है उसकी कोई भी सुविधा हमें नहीं मिलती है। खासतौर पर छात्राओं को कॉमन रूम के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीने के पानी के लिए भी इन्हें दूसरे डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मेरे पीछे जो आप युवाओं को देख रहे हैं वे अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पे खड़े हुए हैं। ज्ञापन सौंपने वो कुलपति को पहुँचे हैं। यहाँ पे क्या क्या आप लोगों की समस्याएं हैं और क्या क्या आप लोगों ने मांग रखी? आज मैम देखा जाए तो हम लोगों की समस्याएं काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो मैं शॉर्ट में निपटाना चाहूँगा। पहली है कि हमारा वाटर कूलर का जो समस्या था पानी के लिए, मैम पानी के लिए अभी देख रहे हैं कि मौसम गर्मी का हो गया है, तो ये पानी के लिए हम लोग को दूसरे डिपार्टमेंट जाना पड़ रहा है। और साथ ही बाथरूम की भी समस्या है कि हम बॉयज़ तो एडजस्ट कर लेते हैं लेकिन जो गर्ल्स हैं उनको वो दूसरे जगह नहीं जा सकते और बदबू इतनी है कि वहाँ बैठा भी नहीं जा सकता। और मैम साथ ही पंखे का भी समस्या है, पंखे के लिए ये सब तीन चीज़ों को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। यांत्रिकी विभाग में ज्ञापन सौंपा हमने अपने HOD को ज्ञापन सौंपा, हमने कुछ सचिव महोदय को भी ज्ञापन सौंपा, लेकिन हर जगह सिर्फ एक ही झूठा आश्वासन मिला। झूठा आश्वासन नहीं मिला कि किसी ने बोला कि हम जल्द से जल्द ठीक कराएंगे, किसी ने बोला कि हम अपने पैसे से करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं हुआ। जैसी की तैसी समस्या पड़ी हुई है अभी तक के। भवन जो है यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे छात्राएं भी, इससे पहले हमने यहाँ पे पहुँच कर यहाँ का हाल जाना कि गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था क्या है। तो यहाँ पे क्लास से सामने जो नज़दीक गर्ल्स कॉमन रूम है वहाँ काफ़ी बदबू है। तो यहाँ पे छात्राएं हैं, कैसी आप लोगों को समस्या होती है क्योंकि हमने देखा बदबू बहुत ज़्यादा है? मैम हमारा जो टॉयलेट है सिंक में टैप ही नहीं है। अगर हमको लंच करने के बाद हाथ में वॉशरूम जाना है, हाथ धोना है, तो वो उसकी व्यवस्था नहीं है। सैनिटरी पैड्स अगर हमें थ्रो करना है तो हमारे लिए डस्टबिन नहीं है। और टॉयलेट से ऊपर लीकेज होता है और सिर्फ दो ही टॉयलेट्स हैं, मतलब डिपार्टमेंट में एटलीस्ट 80 गर्ल्स होंगी तो टॉयलेट सिर्फ दो ही है, तो वो मैनेज नहीं हो पाता है। तो वही प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। रोजाना आप लोगों की क्लासेस होती हैं और आप लोगों ने पहले भी शिकायत की होगी, जाहिर सी बात है हम महिलाओं को लड़कियों को समस्या होती है, तो आप लोगों को शिकायत आप लोगों की क्या आप लोगों को आश्वासन दिया गया और अभी तक कुछ नहीं हुआ? मैम हम लोग तो ज्ञापन दे चुके हैं बट उन लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हम लोग वॉशरूम के लिए इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट का यूज़ कर रहे हैं। समस्याएं हैं, आप लोगों ने तीन जो मुख्यतः समस्याएं रखी हैं, छात्र हैं आप लोग, किन किन आप लोगों को समस्याओं का सामना और करना पड़ रहा है? लगातार आप लोग बातें कर रहे हैं जी। तो एक जो है पानी की समस्या है, पानी के हम लेने के लिए हम लोग को दूसरे डिपार्टमेंट जाना पड़ता है, काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता है। मतलब हमारा एक योगा डिपार्टमेंट है, यहाँ से लेने जाना पड़ता है। और ये क्या कि वाटर कूलर अगर जो है तो उसकी साफ सफाई का भी कोई ठिकाना नहीं, मतलब बोल नहीं सकते कि आखिरी बार कब साफ हुआ है। एक भी वाटर कूलर की व्यवस्था नहीं आप लोगों के डिपार्टमेंट है? लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट में है। और उनकी साफ सफाई को भी लेके थोड़ा प्रश्न चिन्ह है, तो ये एक मुद्दा है। क्या कहना चाहेंगे आप, ये ज्ञापन सौंप रहे हैं? हम लोग MHW के स्टूडेंट हैं, हम लोग समाज को ये जागरूक करते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए कि आप अवेयर रहिए, लेकिन हम ही लोगों को ये मजबूरी हो गया है कि इन सब चीज़ों से जूझना पड़ रहा है। जैसे आप लोगों को असाइनमेंट मिलता है, आप लोग सोशियोलॉजी और सोशल वर्क पढ़ रहे हैं, तो कैसा लगता है आप लोगों यहाँ अध्यापकों से सवाल नहीं उठाते हैं मैम? लेकिन सबके द्वारा वही आश्वासन दिया जाता है, तो हम लोग भी फिर आगे कुछ वो कह नहीं सकते इसके लिए। आपने हमको समस्याएं दिखाई अभी गर्ल्स कॉमन रूम की, कैसा आप बातें होती है, टीचर्स भी होंगी यहाँ पे, क्या क्या समस्या? पहली बात तो यहाँ पे सिर्फ दो वॉशरूम है और 80 पूरे स्टूडेंट्स हैं गर्ल्स में जो कि सिर्फ दो ही वॉशरूम को यूज़ करती हैं, वेस्टर्न है एक और एक इंडियन है, तो उसमें वेस्टर्न तो मोस्टली कोई यूज़ नहीं करती हैं, एंड सब इंडियन ही यूज़ करती हैं। लंबी लाइन लगी रहती है वॉशरूम के लिए, तो एटलीस्ट कम से कम दो से ज़्यादा वॉशरूम होना ही चाहिए गर्ल्स के लिए, ये कहना चाहूँगी। और जैसे कि मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि MSW के हम स्टूडेंट्स हैं, हम दूसरों को जागरूक करते हैं, लोगों को, हम खुद हमारे लिए खुद फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फिर क्या मतलब कि हम ऐसे पढ़ाई करें। तो
देख सकते हैं यहाँ पे सोशियोलॉजी सोशल वर्क का जो ये बिल्डिंग है, डिपार्टमेंट है, इतनी समस्याएं हैं यहाँ पे। इन लोगों ने मुख्यतः अपनी समस्याओं को रखा है। और भी हमारे साथ छात्र हैं, उनसे जानना चाहेंगे आप लोगों को बेसिक जो स्टूडेंट्स की नीड होती है क्लासेस में, उसको लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कितनी बार बातें हुई हैं आप लोगों की सर? मैम, सर से तो पिछले जब हम लोग 2018 में आए थे, एडमिशन लिए थे, तब से बातें हो रही है। हम लोग ने न्यूज़ में कहे कि अगर हम लोग ज्ञापन बोले तो ज़्यादा बेटर है, कि ज्ञापन दिया हमने, ज्ञापन देने के बाद लगातार ज्ञापन चल ही रहा है और अभी तक भी ज्ञापन चल रहा है। उसके बाद भी क्या हुआ कि जो बेसिक समस्या है, जैसे कि पानी, नीचे आपने देखा कि पानी कितना वेस्ट हो रहा है, और वो पानी अगर हमको भी मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पा रहा है पानी। उसके बाद बाथरूम की कंडीशन की बात करें तो बहुत बेकार कंडीशन है, वहाँ जाने का भी मन नहीं करता, तो मजबूरी में जाना पड़ता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ दिन बाद तो ऐसा लगना चला, मतलब हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग खुले में जाना चालू कर देंगे अगर यहाँ कंडीशन सुधार नहीं गया तो इस तक के। और उसके साथ साथ यहाँ जो इंटरनेट की भी सुविधा है, काफ़ी हौच पौच है। एक जो बेसिक सुविधा होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, और हम जब यहाँ पढ़ रहे हैं, सोसाइटी को हम लोग जागरूक करते हैं, समाज कार्य के स्टूडेंट हैं हम लोग, तो उसके बाद भी ऐसा, मतलब हम लोग जागरूक करने तो जा रहे हैं लेकिन हमारे ही डिपार्टमेंट में जागरूक नहीं है मैम आज की डेट में, तो हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में? तो हम लोग को ये सब करना पड़ रहा है मैम। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बाकी भी डिपार्टमेंट्स है, वहाँ ये सारी सुविधाएं हैं? हाँ है ना, जैसे आप देख सकते हैं योगा डिपार्टमेंट, देख सकते हैं योगा डिपार्टमेंट में वो फैसिलिटीज है, लेकिन जो स्मेल वाली बात है, स्मेल वाली बात कहीं पे भी, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ का वॉशरूम स्मेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हर एक डिपार्टमेंट में स्मेल आता ही आता है। वहाँ कैसे बच्चे वहाँ से गुजरते हैं वो वही जानते हैं। बाकी तो हमारे डिपार्टमेंट में जैसा देखा जाए तो हम लोग चढ़ते हैं तो पहले ऐसे नाक में रुमाल लगते हैं, फिर अपने डिपार्टमेंट में जाते हैं। एचओडी से बात हुई होगी, क्या कहा? एचओडी सर से बात हुई है, सर जो है एक डेढ़ साल से एक ही रट लगाए हुए कि मैं अपने पैसे से करा दूंगा या 15 दिनों के अंदर मैं खुद कर समस्याओं को दूर कर दूंगा। लेकिन मैम, जो पंडित रविशंकर कला भवन जो है वो हाथी का दांत है मैम। एक्चुअली दिखाने का खाने का अलग, दिखाने का अलग। हम लोग समाज कार्य के स्टूडेंट हैं मैम, समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए पढ़ाई करें लेकिन खुद समस्याओं से घिरे हुए मैम, तो समाज की समस्या कैसे दूर करें मैम? क्योंकि अगर बाकी डिपार्टमेंट में देखें तो हम लोग जो फीस पे करते हैं 17,500 लोग फीस पे करते हैं, अगर मतलब अगर डिपार्टमेंट देखा जाए तो उन लोग जो फीस पे करते हैं उन लोग क्या करते हैं कि कितना 2,000 से 3,000 या 5,000 फीस पे करते हैं। उसके बाद उन लोगों को बेसिक सुविधा मिल रही है मैम। हम लोग जब इतना प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, इतना फीस दे रहे हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम लोग को बेसिक सुविधा नहीं मिल पा रहा है, तो एक मतलब क्रिएटिविटी आती है कि मन में कि हो क्या रहा है यहाँ पास करके, तो बस यही है मैम। आपने समस्याएं सुनी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का कला भवन है, जितने डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे उसकी सूची लगी हुई है। स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे परेशान हैं अपनी समस्याओं को लेकर, लगातार ये उन्होंने एक साल बीते एक साल में बात करी है लेकिन यहाँ जो है इनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। हमने भी देखा कि यहाँ पे जो माहौल था वो बदबू से पूरा भरा हुआ था। जो गर्ल्स कॉमन रूम है उसकी भी स्थिति ठीक नहीं है, और बात करें अगर बॉयज़ कॉमन रूम की तो वहाँ भी स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। पानी की समस्या है, जो स्टूडेंट्स की बेसिक नीड है यहाँ वो ही पूरी नहीं हो रही है, तो छात्र तो परेशान होंगे ही। और ये जो आप देख सकते हैं कि ये समाज जो है वो उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, ये बताते हैं कि समाज जो जागरूक कैसे होगा और वहाँ काम कैसे होगा। जो इनको असाइनमेंट मिलेगा उसमें भी ये जो काम करेंगे उसमें भी इनको अपनी तरफ से कोई क्रिएटिविटी नहीं सूझी जाएगी। तो आपने सुना यहाँ पे जो रविशंकर यूनिवर्सिटी में जो कला भवन है वहाँ की समस्याओं को। खबरची न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश यादव के साथ ममता मानकर की रिपोर्ट। देखिए कि मैं उस पर जो बेसिक प्रॉब्लम बच्चे लोगों ने उठाया था, मतलब जो जेनाइन प्रॉब्लम था, जिसमें एक तो इस फ्लोर में वाटर कूलर का प्रॉब्लम था जो कि कुछ समय से खराब पड़ा हुआ है, और दूसरा उन्होंने कहा था कि वॉशरूम का अपना कुछ प्रॉब्लम है, और तीसरी बात पंखे की बात हुई थी कि कुछ क्लासरूम में 3 पंखे हैं तो 2 चल रहा है एक नहीं चल रहा है। ये छोटे प्रॉब्लम थे। इस प्रॉब्लम को लेकर व्यक्तिगत तौर पर मेरे द्वारा विश्वविद्यालय के यांत्रिकी विभाग के जो इंचार्ज हैं उनको मैंने फोन से ओरली इन तीनों चीज़ों से अवगत कराया। इसके अलावा लोडशीट के द्वारा भी उनको अवगत करा दिया गया है कि ये प्रॉब्लम आ रहा है। इसके अलावा रजिस्ट्रार साहब को भी मैंने अवगत कराया कि भाई पानी एक बेसिक प्रॉब्लम है बच्चों का, और यहाँ की चूँकि वाटर कूलर ख़राब हो गया सर, वो जो है वाटर कूलर लग जाने से बच्चों की ये समस्या सॉर्ट आउट हो सकती है। इन तीनों प्रॉब्लम्स के ऊपर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि भी एक विदिन ए वीक हम लोग इन तीनों प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे जी। वो बाथरूम में पानी का सीपेज का प्रॉब्लम आया था जिसको यांत्रिकी विभाग का इंजीनियर आके देख के चला गया है, और उसने कहा है कि उसको छिल के उस पर कुछ रिपेयरिंग वगैरह करने से जो पानी गिर रहा है ऊपर से आ रहा है
वो बंद हो जाएगा, ये उनका कहना। इंजीनियर साहब उसका अवलोकन कर चुके हैं और देख के वो जा भी चुके हैं, तो वो शायद हो सकते एक दो दिन में अपने जो भी कर्मचारी होंगे उनको इंस्ट्रक्शन दे के उसको बना भी देंगे। मैं देखिए, मैं एज ए विभागाध्यक्ष मैं आश्वासन तो छात्रों को मैं नहीं दे पाऊँगा, मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ, मेरी भी निर्भरता दूसरों पर है। मैं अपनी बात जहाँ तक कहना था मैंने उनको कह दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज़्यादा देरी होगा, बहुत जल्दी ये सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब छात्राओं के ज्ञापन सौंपने के बाद देखना होगा कि यूनिवर्सिटी इस पर कितनी जल्दी कार्रवाई करती है और छात्र छात्राओं को उनकी बेसिक समस्याओं को लेकर कब तक निजात दे पाती है। खबरची न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश यादव के साथ ममता मानकर की रिपोर्ट।